नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे शरीर वाली औरतें होती है भाग्यशाली। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे प्राचीन ग्रंथों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, अतः स्त्री का सम्मान करना आवश्यक होता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है ऐसे घर से देवी लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। इसी कारण भूल से भी अपने घर की स्त्रियों के साथ हिंसा ना करें और ना ही अपशब्दों में उनसे बात करें। वैसे तो प्रत्येक चरित्रवान स्त्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप ही मानी गई है, लेकिन हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ में स्त्रियों के शरीर पर बने ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है। जिस स्त्री के शरीर पर ऐसे निशान एवं लक्षण दिखते हैं तो उन्हें अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। ऐसी महिलाएं जिस घर में भी विवाह कर जाती है वहां पर सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि ऐसी स्त्री से प्राप्त हुई संतान भी तेजस्वी होती है और वह परिवार का नाम रोशन करती है। आज हम आपको समुद्र शास्त्र में बताए गए महिलाओं के शरीर पर बने निशानों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर यह निशान किस जगह पर है और उसे कब भाग्यशाली माना गया है जान लेते हैं। पिता के मुख के समान मुख। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री का मुख उसके पिता के मुख के समान है तो वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी औरतें यश देने वाली तथा उन्नति प्रदान करने वाली होती है। ऐसी महिलाओं से विवाह करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसी महिलाएं कपट से रहित और परिवार को जोड़ने वाली मानी गई है। नाक पर तिल। जिन महिलाओं के नाक के आसपास तिल होता है वह सभी सुखों को प्राप्त करने वाली मानी गई है। नाक पर तिल का निशान धन संपन्नता तथा दीर्घायु को दर्शाता है। माथे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के माथे पर तिल होता है वह भाग्यशाली होती है। इसके साथ ही माथे के बीचोंबीच तिल होना अत्यंत अशुभ और भाग्यशाली माना गया है। साथ ही ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले पुरुष जीवन भर खुश रहते हैं और कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करते। तलवों पर चक्र या शंख का निशान। कुछ महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे कमल चक्र और शंख का निशान होता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम लड़कियों के साथ होता है और ऐसा निशान होने पर उस महिला को अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। इसके अलावा अपने घर परिवार का नाम रोशन करती है। त्रिकोण का निशान। ऐसी स्त्री काफी बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती है। वह अपनी समझ से न सिर्फ परिवार को खुश रखती है बल्कि मुश्किल हालत में भी उनकी मदद करती है। मुश्किल हालातों में अपनी सूझबूझ से फैसले लेने की क्षमता ऐसी महिलाओं के अंदर होती है। इनके गुणों के कारण परिवार को लाभ होता है और इससे पूरे परिवार और कुल का नाम रोशन होता है। नाभि के नीचे तिल या मत्स्य होना। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के नाभि के नीचे तिल होता है वे घर परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। साथ ही महिलाओं के नाभि के नीचे तिल या मत्स्य होना सुख संपन्नता का प्रतीक है। बाएं गाल पर तिल का होना। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह खाने की शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। ऐसा माना जाता है कि इनके हाथ से बने खाने को स्वाद होता है जिसकी वजह से पूरा परिवार उनसे सदा ही खुश रहता है। शरीर के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल का होना। जिस महिला के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मत्स्य होते हैं वे अपने परिवार के लिए लकी साबित होती है। ऐसी लड़की अपने पति को खुश रखना भी बखूबी जानती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।